हाय खाने के शौकीनों, कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहना और हमारे वीडियो को देखते रहना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपनी फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी प्यारी सी भतीजी बना रही है। जब भी मैं उसके पास जाती हूँ तो वो ये डिश बना के खिलाती है। वो कौन सी चीज़ है और कैसे बनाते हैं, चलिए फ्रेंड देखते हैं। 3 कटोरी चने की दाल लेंगे और 1 कटोरी उड़द की दाल लेंगे और इसको रात भर के लिए सॉक करने रख देंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसका पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है, हल्का सा मोटा। अब हम इसमें 4-5 हरी मिर्ची को डालेंगे काट के, फिर इसमें हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के हिसाब से डालें। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक बड़े बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे। हमने ये आटा लगा के रख लिया है, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से आटा को लगा के रखेंगे। अब हम एक रोल बना के छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। अब हम छोटी छोटी रोटी की तरह बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना है। इसके बाद हम रोटी के चारों तरफ पानी लगाएंगे। पानी हम इसलिए लगाएंगे जैसे ये जब हम फोल्ड करें तो ये चिपके नहीं। अब हम इसमें मसाला भरेंगे, 2 चम्मच कर अच्छे से मसाला भर देंगे। हम इसे फोल्ड करेंगे, बीच से पकड़ के फोल्ड करेंगे और दोनों किनारियों को छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे। इस तरीके से दोनों किनारों को खुला रखेंगे। अब हम गर्म पानी के ऊपर छलनी रखेंगे। छलनी को हम आटा लगा के भी रख सकते हैं और दूसरा हम इसमें तेल लगा के भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से रख सकते हैं। अब हम छलनी को गर्म भगोने के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर सारी गुजिया को रखेंगे। सभी गुजिया रखने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे गुजिया तैयार हुई है कि नहीं, नाइफ से करके देखते हैं। देखो फ्रेंड, परफेक्ट तैयार हो गई है, इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं लगा है, इसका मतलब ये गुजिया तैयार हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, नहीं तो गरम काटते नहीं बनेगा ना। अब हम इनके पीस करेंगे, छोटे छोटे पीस करेंगे। इस तरीके से सभी गुजिया के पीस करेंगे। जब ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में तो कितना अच्छा लगेगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसे ऐसे भी खा सकते हैं और इसको फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसी तरीके से हम सभी के पीस करके रख लेंगे। देखो फ्रेंड कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें 1 से 2 चम्मच राई डालेंगे। जब राई चटकने लगेगी अच्छे से, फिर हम इसमें सारे पीसों को डाल देंगे, फिर इसको आप फ्राई करेंगे। जब भी आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें ये चीज़ बनाकर खिलाइए, उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड, इसके कलर चेंज हो गया है, पिंक कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। लीजिए फ्रेंड, दाल के फरे तैयार हैं, क्रिस्पी और डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी हैं। इसे आप चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिए। आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। फुल वॉच के लिए थैंक यू।